गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ पार्ट 3 ऑफ द जनवरी टू मार्च करंट अफेयर्स सीरीज में हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले इंडियन पॉलिटी को हमने दो पार्ट्स में कवर किया था और आज की वीडियो में हम सारा का सारा हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो कि इस क्वार्टर के इंपॉर्टेंट हैं वो देखने वाले हैं। और आने वाले वीडियोस में हम ये बाकी के सारे टॉपिक्स भी कवर करेंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों कि जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ होने वाली है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है इसके अंदर अलग 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 न्यूज़ साइट से PIB से, तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है। तो आप अगर नए हमारे चैनल पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए जिससे कि आने वाली ये जो वीडियोस हैं इनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे और उसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले जान लेते हैं हमेशा की तरह कि कौन कौन से टॉपिक हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पराक्रम दिवस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ये सेलिब्रेट किया गया है पहली बारी इस साल, तो ये क्या है, किस फ्रीडम फाइटर के ऊपर बेस्ड है, तो ये जानेंगे हम इसके अंदर। प्रबुद्ध भारत ये एक जर्नल है और ये किसके ऊपर बेस्ड है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ये जानेंगे। एक्सकवेशन साइट्स फाइंड की गई हैं कुछ जबलपुर में, इस न्यूज़ को देखेंगे। 75 ईयर्स ऑफ रामचंद्र मिशन ये है, 75 ईयर्स पूरे हुए, ये मिशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किसने शुरू किया था, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में, उससे रिलेटेड न्यूज़ आई थी कि उसके 100 ईयर्स पूरे हुए हैं, तो उस न्यूज़ को भी देखेंगे। फिर हम जानेंगे 11th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के बारे में, कौन सी स्टेट में इसको होस्ट किया गया है इस बारी, तो इस न्यूज़ आइटम को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फॉसिल कहाँ फाइंड किया गया और ये साइट इंडिया में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको देखेंगे। शहीद दिवस के बारे में जानेंगे, नवरोज फेस्टिवल के बारे में जानेंगे जिसमें कि PM ने ग्रीटिंग्स एक्सटेंड की थी नवरोज की, ये नवरोज फेस्टिवल कौन मनाता है, क्या है इसका सिग्निफिकेंस, ये देखेंगे। और आखिरी में हम जानेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट मौसम के बारे में। तो राज्यसभा में एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने एक रिपोर्ट पेश की थी प्रोजेक्ट मौसम के बारे में, तो प्रोजेक्ट मौसम क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंटरनेशनल ऑर्डर में इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इस न्यूज़ को हम डिटेल में समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये अंत तक ज़रूर देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, UPSC के मेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रोजेक्ट मौसम के बारे में, तो इसके बारे में हम जो डिटेल्ड रिप्लाई दिया है उसको देखेंगे हम। ये PIB की एक न्यूज़ थी। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं हम पराक्रम दिवस। तो गवर्नमेंट अनाउंसेस दैट 23rd ऑफ जनवरी टू बी सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस एवरी ईयर। तो इस साल से 23 जनवरी को हर साल मनाया जाएगा पराक्रम दिवस। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑन ओकेजन ऑफ द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, पराक्रम दिवस किस फ्रीडम फाइटर के ऊपर बनाया जाएगा, किस फ्रीडम फाइटर की बर्थ एनिवर्सरी के बेसिस पर बनाया गया और ये इस साल से शुरू किया गया है, ठीक है, और ये कौन सी डेट को मनाया जाएगा हर साल। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, डेट और कौन सा फ्रीडम फाइटर है। तो 23rd जनवरी एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस क्यों मनाया जाएगा। तो ये एक स्टेटमेंट दी गई थी कि टू इंस्पायर पीपल ऑफ इंडिया स्पेशली द यूथ टू एक्ट विथ फोर्टिट्यूड इन फेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि जब आप ट्रबल में हो तो आपको उस ट्रबल को कैसे फेस करना है, उस पेन को कैसे फेस करना है, ये यूथ को एक मैसेज दिया गया थ्रू नेताजी, जो नेताजी ने करा था फ्रीडम के लिए, ठीक है, एंड टू इन्फ्यूज इन देम अ स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिक फर्व, ठीक है, तो पेट्रियोटिज्म की भावना को जगाने के लिए ये मनाया जाएगा। तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसी ओकेजन पे PM ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के सामने, जिसमें कि एक कॉमेमोरेटिव क्वाइन और स्टैम्प ऑन नेताजी जो पिक्चर में देख रहे हैं ये लॉन्च कर दी गई थी। अगली न्यूज देख लेते हैं, प्रबुद्ध भारत, ठीक है, तो PM एड्रेसेस 125th सेलिब्रेशंस ऑफ प्रबुद्ध भारत। तो 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस जो प्रबुद्ध भारत है उसके ऊपर PM ने एक एड्रेस दिया था। तो ये है क्या, इट इज अ मंथली जर्नल ऑफ रामकृष्ण ऑर्डर स्टार्टेड बाय स्वामी विवेकानंद इन 1896। तो अब आपको इसमें याद क्या रखना है, प्रबुद्ध भारत क्या है, एक मैगजीन है, मंथली जर्नल है जो कि स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था। इसके ये पूछा जा सकता है कि कौन स्टार्ट किया था इनको, तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था इन 1896, ये इंपॉर्टेंट है।
और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, किस लिए शुरू किया गया था, फॉर अ मीडियम ऑफ स्प्रेडिंग मैसेज ऑफ इंडियाज एंशंट स्पिरिचुअल विजडम। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या पीएम ने कहा कि फॉर 125 इयर्स द जनरल हैज स्प्रेड द स्वामी जी आइडियाज एंड हैज बिल्ड अपॉन द विजन ऑफ एजुकेटिंग यूथ एंड अवेकनिंग द नेशन। तो ये है प्रबुद्ध भारत। एक्सकवेशन साइट्स इन जबलपुर देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मैं आपको बता चुका हूँ कि याद भी कैसे करना है, तो इनका नाम क्या है, श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, ये याद रखना है आपको, ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे, तो इसका एक शॉर्टकट भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। इनॉग्रेट्स टू एक्सकवेशन साइट्स इन जबलपुर में की गई हैं एमपी के अंदर, और इन साइट्स के नाम क्या क्या हैं, करण बेल त्रिपुरी साइट 1 एंड तेवर साइट 2 इन डिस्ट्रिक्ट जबलपुर ऑफ मध्य प्रदेश। तो वहाँ पे ये एक्सकवेशन साइट्स को इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर श्री प्रहलाद सिंह पटेल। 75 ईयर्स ऑफ श्री रामचंद्र मिशन, तो ये क्या है, इसमें भी पीएम ने एड्रेस किया था 75th ईयर्स ऑफ श्री रामचंद्र मिशन, ठीक है। तो ये क्या है, इट्स अ मिशन फॉर इंस्टिलिंग मीनिंगफुलनेस पीस हेल्थ स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ पीपल। तो ये पीपल के अंदर ये सब चीज़ें, पीस हेल्थ स्पिरिचुअल वेलबींग, ये सब इन्फ्यूज़ करता है, ठीक है। जैसे रामकृष्ण मिशन है, वैसे ये रामचंद्र मिशन है, ठीक है। और इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, स्पिरिचुअल मूवमेंट है, ठीक है। जैसे एस्कॉन वाला है, वैसे ही ये स्पिरिचुअल मूवमेंट है, विच टीचिज द प्रैक्टिस ऑफ सहज मार्ग और हार्टफुलनेस मेडिटेशन। तो ये सहज मार्ग के बेस प्रैक्टिस को प्रमोट करता है लोगों के अंदर। और इट वॉज रजिस्टर्ड इन 1945 बाय श्री रामचंद्र ऑफ शाहजहानपुर इन उत्तर प्रदेश। तो इसके आपको नाम याद रखना है कि इन्होंने शुरू किया था 1945 में, श्री रामचंद्र शाहजहानपुर यूपी के। चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में जान लेते हैं, न्यूज़ में क्यों रहा। चौरी चौरा मार्टर्स हैव नॉट बीन गिवन ड्यू प्रोमिनेंस, ये पीएम ने कहा था आफ्टर इनॉग्रेटिंग चौरी चौरा सेनेटरी सेलिब्रेशंस एट चौरी चौरा गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये इंसिडेंट था कि फ्रीडम फाइट के, जब हम फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट बन गया था। क्यों बना था देख लेते हैं। इट टुक प्लेस ऑन 4 February 1922 एंड व्हेन ए लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर पार्टिसिपेटिंग इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुई थी 1919 में, उसके अंदर जो प्रोटेस्टर थे वो पुलिस के साथ उनकी क्लैश हुआ था, क्योंकि ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट थी, ठीक है। तो इसमें लड़ाई का कोई वो नहीं था, सिग्निफिकेंस नहीं था। गांधी जी ने कहा था कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये आपको इसमें लड़ाई नहीं करनी है ना, आपको बस टैक्स नहीं भरना है या गवर्नमेंट का विरोध करना है, लेकिन आपको उसमें वायलेंट नहीं होना, नॉन वायलेंट मूवमेंट रखना है। तो इस केस में ये जो प्रोटेस्टर्स थे वो वायलेंट हो गए थे, और पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिस वाले थे वो सब मर गए थे, इन्होंने आग लगा दी थी पुलिस स्टेशन में। तो इस वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हॉल्ट कर दी थी, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इट गांधी जी हॉल्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। तो ये था चौरी चौरा इंसिडेंट पे न्यूज, जिसके कि 100 ईयर्स शुरू पूरे हो गए हैं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के बारे में जान लेते हैं, इसके रिगार्डिंग क्या न्यूज थी। 11th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव वॉज इनॉग्रेटेड इन कूच बिहार वेस्ट बंगाल। तो ये कहाँ पे हुआ शुरू, इनॉग्रेट कहाँ किया गया है, कूच बिहार, और ये कौन सा एडिशन है, 11th, ठीक है। इट इज़ द फ्लैगशिप फेस्टिवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज सिंस 2015, 2015 से मनाया जा रहा है, और ये फ्लैगशिप फेस्टिवल है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। और ये क्या काम करता है, इट प्रमोट्स वाइब्रेंट कल्चर ऑफ इंडिया आउट टू द मासेस, मासेस के अंदर जो इंडिया का कल्चर है उसको प्रमोट करता है ऑडिटोरियम और गैलरी से बाहर निकल के। तो ये एक तरह से मास मूवमेंट की तरह है, ठीक है। और ये शोकेस क्या करता है, फोक एंड ट्राइबल आर्ट, डांस, म्यूजिक, क्यूजींस, कल्चर एक स्टेट का दूसरे स्टेट में। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो विजन है मोदी जी की, उसको ये प्रमोट करता है, उसका ये फ्लैगशिप फेस्टिवल है 2015 से मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। और 11th एडिशन ये वेस्ट बंगाल में कराया जा रहा है इस बारी, तो ये कूच बिहार, दार्जिलिंग और मुर्शिदाबाद में कराया जाएगा। वर्ल्ड ओल्डेस्ट फॉसिल फाउंड इन बिम्बेटिका केव्स, तो ये न्यूज आई थी, द फॉसिल ऑफ डिकिन्सोनिया फाउंड इन बिम्बेटिका। अब डिकिन्सोनिया क्या है, 3 फॉसिल्स ऑफ अर्लीस्ट नोन लिविंग एनिमल 550 मिलियन ईयर्स ओल्ड डिकिन्सोनिया ऑन द रूफ ऑफ बिम्बेटिका रॉक शेल्टर्स अबाउट 40 किलोमीटर्स फ्रॉम भोपाल, ये पाया गया। तो बिम्बेटिका आप जानते हैं, ये इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट केव्स हैं, इसके अंदर जो आपको जहाँ पे फॉसिल मिलेंगे, पेंटिंग्स मिलेंगी। तो
इस के अंदर वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फॉसिल जो कि 550 मिलियन ईयर्स ओल्ड माना गया है वो फाइंड किया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ फाइंड किया गया है, बिम्बेटिका में, और कौन सी फॉसिल है, डिकिन्सोनिया, ये एनिमल का नाम है। अगली न्यूज देख लेते हैं, शहीद दिवस और मार्टियर्स डे, ठीक है, तो इसमें क्या, शहीद दिवस और मार्टियर्स डे इज कमेमोरेटिव ऑन 23 मार्च, ये आपको बहुत लोगों को पता होगा 23 मार्च को मनाया जाता है, और ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया था नेशन के लिए उनको हैंग किया गया था 23 मार्च 1931, तो उसको सेलिब्रेट करते हैं ये मार्टियर्स डे, उनको याद करता है। और मार्टियर्स डे 30 जनवरी को भी कहते हैं, जहाँ पे महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई थी, तो 30 जनवरी को भी बोलते हैं, और 23 मार्च है इसको भी बोल जाता है मार्टियर्स डे, तो इसको सेलिब्रेट करा था हमने। अगली न्यूज़ पे आते हैं, नवरोज फेस्टिवल, तो पीएम ग्रीट्स पीपल ऑन नवरोज, तो ही ट्वीटेड, उन्होंने क्या ट्वीट किया था, नवरोज मुबारक, प्रेइंग फॉर द ईयर फिल्ड विद हैप्पीनेस, वंडरफुल हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी फॉर एवरीवन। तो नवरोज फेस्टिवल बेसिकली है क्या, एक बार ये शॉर्ट आंसर में पूछा गया था हरियाणा के मेंस के एग्जाम में कि नवरोज फेस्टिवल के बारे में लिखिए आप दो लाइन में, तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। इट इज़ अ न्यू ईयर ऑफ पारसी कम्युनिटी विच बिगिंस एट स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है मार्च के अंदर, 21 मार्च को, तो ये तब सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको पारसी कम्युनिटी का न्यू ईयर भी बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ईरानियन और पर्शियन न्यू ईयर। तो ये आपको दो चीज़ें भी याद होंगी तो आपको उसमें नंबर मिल जाएंगे। तो ईरानियन और पारसी कम्युनिटी और पर्शियन न्यू ईयर कहा जाता है इसको। इट इज़ फॉल अराउंड, जैसे कि मैंने कहा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स मार्च 21 के अराउंड इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब आ जाते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट मौसम। तो एक ही क्या है, इंफॉर्मेशन दी गई थी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म श्री प्रहलाद सिंह पटेल इन ए रिटर्न रिप्लाई इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में क्वेश्चंस जो होते हैं उसके अंदर एक रिटर्न रिप्लाई दिया गया था, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पीआईबी की न्यूज़ है। तो मौसम इज है क्या, पहले ये जान लेते हैं। इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज द नोडल एजेंसी। तो पहली बात हमें क्या पता चली, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक प्रोजेक्ट है, और इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दो चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें से, ठीक है, विद सपोर्ट ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स एंड नेशनल म्यूजियम, ये आपको याद रखने की जरूरत है। सबसे पहले है किसका प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, और इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये दो चीज़ें आपको याद हो गई। उसके बाद इट एम क्या है इसका, टू एक्सप्लोर द मल्टी फेसेटेड इंडियन ओशन वर्ल्ड। तो इंडियन ओशन कंट्रीज के अंदर इसका फोकस है, ठीक है, कल्चर से रिलेटेड है। अभी आप इतना ही समझिए, फिर आगे देखते हैं। अब कोलेक्टिंग आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिसर्च इन ऑर्डर टू डॉक्यूमेंट द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर कमर्शियल रिलीजियस इंट्रैक्शन इन इंडियन ओशन। अब क्या है कि इंडियन ओशन की जो कंट्रीज हैं उनसे हमारे एंशियंट टाइम से ट्रेड रिलेशन हैं, उनसे कल्चरल हमारे इंट्रैक्शन रहे हैं, लोग आते जाते रहे हैं हमारे, ठीक है, तो उनसे कल्चरल डाइवर्सिटी को, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट मौसम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंस्क्राइब प्लेसेस एंड साइट्स आइडेंटिफाइड अंडर प्रोजेक्ट मौसम एज ट्रांसलेशनल नॉमिनेशन फॉर इंस्क्रिप्शन इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो जो हमारे कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं उसके अंदर, इसके अंदर इन्होंने क्या जोड़ रखा है कि हम प्लेसेस भी आइडेंटिफाई करेंगे इन जगहों पे, और उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्ट में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसको क्यों कहा गया कि ये राज्यसभा में क्यों लाया गया, कि इसके अंदर उन्होंने बताया कि हमने प्रोजेक्ट मौसम को एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च 2023 तक। और इसमें होता क्या कि 39 कंट्रीज हैं, जैसे कि बांग्लादेश, कंबोडिया, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इंडियन ओशन की जो कंट्रीज हैं उसके अंदर जो है हमारी जो मिशंस हैं वहाँ पे, हमारी जो एम्बेसडर्स हैं वो वहाँ पे पीपल को नॉमिनेट करते हैं, उनसे इंट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, उनसे डिस्कशंस होती हैं, एक्सपर्ट से डिस्कशन होती है जो इस फील्ड में है, तो वहाँ पे वो साइट्स को एक्सप्लोर करते हैं। और इसके अंदर क्या है, इट इज़ प्रपोज टू होल्ड अ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विद दीज एक्सपर्ट इन नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। और इसमें क्या प्रपोज किए गए, टू ट्रांसनेशनल नॉमिनेशंस की जाएंगी, रूट्स फॉलोड बाय चोलाज इन साउथ ईस्टर्न एशियन रीजन एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म थ्रू लैंड एंड सी रूट्स ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्टर्न रीजन। अब इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूँ। ये तो कल्चर की बात होगी तो आपको लग रहा होगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये यूपीएससी ने क्यों पूछा, तो क्वेश्चन क्या था कि चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, आप जानते हैं कि इंडिया को चारों तरफ से कंट्रीज के अंदर पोर्ट्स बना के घेर लेंगे हम इंडियन ओशन के अंदर, जैसे कि चित्तागोंग पोर्ट हो गया, हम बंतोता पोर्ट हो गया, ऐसे ही हम ग्वादर पोर्ट हो गया,
उसमें क्वेश्चन में ये था कि व्हाट इज स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स एंड व्हाट इज इंडियाज रिप्लाई टू दिस। तो प्रोजेक्ट मौसम जो है इसको माना जाता है इंडियाज रिप्लाईज टू द चाइनीज स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। तो इसमें क्या है, हम एक सॉफ्ट पावर है इंडिया, तो सॉफ्ट पावर को इंडिया की यूज करके अपने कल्चरल और पास्ट हेरिटेज को यूज करके कंट्रीज से जो हमारे कॉन्टैक्ट थे एंशिएंट टाइम में उसको इन्वोक करके थ्रू कल्चर एक हम इनसे ऐसी दोस्ती बनाएं कि हम चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है इंडियन ओशन में उसको काउंटर कर सकें। तो अब आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ आ रहा होगा कि हम चाइना की तरह हार्ड पावर नहीं, बेसिस नहीं बनाएंगे, इकोनॉमिक टेररिज्म नहीं करेंगे या इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सॉफ्ट पावर यूज करेंगे, अपनी कल्चरल हिस्ट्री को यूज करेंगे और उसको इन्वोक करते हुए इन देशों से अच्छे रिलेशंस बनाएंगे। तो ये है सिग्निफिकेंट मेन प्रोजेक्ट मौसम का इन जियो पॉलिटिकल सिनेरियो इन इंडियन ओशन, जो कि इसलिए हम इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2023। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे टॉपिक्स आपको पसंद आए होंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही मैंने चुने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और दोस्तों यदि आप नए हमारे चैनल पे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप को आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, यही एक एक्चुअल हमारा रिवॉर्ड है, और एक लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, हम जानेंगे नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस से रिलेटेड जनवरी टू मार्च करंट अफेयर्स को। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।